चुनावी बिगुल बज चुका है, पंचायत राज के चुनाव जो है बिल्कुल नजदीक है, तो इसी दौरान हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत 2KM में, जहां हमारे साथ मौजूद है नक्षत्र सिंह जी बुटर। तो हम इनसे करेंगे बात कि कैसी ठोकी है इन्होंने ताल। तो सबसे पहले तो बुटर साहब, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद बुटर साहब, कैसी आपने ताल ठोकी है, किस तरीके से आप सरपंच चुनाव लड़ना चाहते हो या क्या है ये आप बताइए। जनता का रुझान है, जनता चाहती है, जनता का ये रुझान है कि आप चुनाव लड़ो, जनता का सहयोग मिल रहा है, उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। तो इससे पहले आपके पास कोई राजनीतिक कोई सामाजिक पद रहा है या क्या आपके पास रहा? पहले कोई राजनीतिक पद नहीं है, वैसे मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक व्यवस्थापक के पद पर हूँ, तो वो जनता के कहने पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वैसे कोई मेरे परिवार में आज तक कोई राजनीति के अंदर नहीं आया। मतलब ग्राम सेवा सहकारी समिति की लंबे समय से आप सेवाएँ दे रहे हैं? 2008 से मैं लगातार यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ और अच्छा मेरा ये अनुभव है और लोगों का भी अच्छा साथ मिल रहा है। 2008 से जैसा कि आपने बताया कि मैं सेवाएं दे रहा हूं, तो आपके बीच में कई सरपंच आए और कई गए, और इस दौरान अब आपको क्या लगता है इस पंचायत में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसे आप यदि सरपंच बनते हैं तो वो दूर कराएंगे? यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे पानी निकासी की है, वो नरेगा की भी है, लोगों को इंदिरा आवास है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, उनके अंदर भी लोगों को बहुत समस्याएं हैं, तो इन पे सभी के से खड़ा उतरने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं बुटर साहब युवा पीढ़ी की। आज युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर बिल्कुल डूब चुका है, क्या आपने कभी इसको दूर करने के लिए अपनी पंचायत में प्रयास किए या आगे क्या रहेंगे भविष्य में? बिल्कुल प्रयास भी किए हैं और आगे चल भी रहे हैं और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि नशे से दूर रहें और नशा ये बर्बादी का घर है, तो बिल्कुल ये चल रहा है। बालिका शिक्षा के लिए आपने क्या कदम उठाए? बालिका शिक्षा के अंदर ये है कि बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, उनको ज़्यादा से अच्छी सुविधाएं दी जाए। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान कांग्रेस सरकार की, तो सरकार जब बनी तो उन्होंने जो सरपंच पद पंचायती राज में जो शिक्षा का मापदंड था वो हटा दिया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, कहां तक आप संतुष्ट हैं? ये देखो वैसे तो गलत है, ये तो 8वीं था उनको किया हुआ सरपंच पद का, लेकिन मैं तो ये मान दूंगा अगर 10वीं होती तो बिल्कुल सही थी। मतलब कहीं ना कहीं आप जैसे युवाओं की ये सोच थी कि शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लेकिन ये खत्म हो गया है, तो अगर 10वीं होती तो बिल्कुल युवा वर्ग है जो वो आगे आता, तो आज अगर नहीं है तो हो सकता है कोई भी चुनाव में आगे आ सकता है, तो वो बात नहीं बनती है। बिल्कुल देश के सबसे बड़े त्यौहार 15 अगस्त की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल नज़दीक है, और 15 अगस्त पर आप देशवासियों को आपकी पंचायत को क्या संदेश देंगे, खास करके युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को, सभी साथियों माताओं बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। तो ये थे आज हमारे साथ नक्षत्र सिंह जी बुट्टर, जिनके ग्राम पंचायत 2KM है और ये यहाँ से सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ताल ठोक दी है। कैसी ताल है ये तो आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन तब तक हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए इनको बधाई देते हैं। आपको बुट्टर साहब अग्रिम बधाई। धन्यवाद।